अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जैद परी और आप देख रहे हैं परी बाइक इन्फॉर्मेशंस। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू लेके आया हूं, जो कि स्पेशल एडिशन है 70 सीसी में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जोल्टा कंपनी की, 70 सीसी एडिशन, जो कि बिल्कुल सिंपल बाइक है, जैसे कि एक 70 सीसी बाइक होती है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इसमें यह है कि उसमें इंजन होता है, और इसमें इंजन वगैरह किसी किस्म का यूज़ नहीं किया गया। इसमें सिर्फ बैटरी और हब मोटर यूज़ की गई है। ये 70 सीसी स्पेशल एडिशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड कवर के ऊपर मेंशन भी है। अभी इसमें फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आपको ना तो इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा, ना आप इसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ेगी आपको, ना ही किसी किस्म का इसमें जो है पेट्रोल डलवाना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप इस बाइक को एक नॉर्मल घर में जो है साकट से चार्ज करें और इसको 70 से 80 किलोमीटर तक आराम से यूज़ करें। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिस तरह भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है दिन ब दिन, और काफ़ी महंगा होता जा रहा है पेट्रोल, और मेंटेनेंस की प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जिस तरह ट्यूनिंग होगी, इंजन ऑयल हो गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा है इसका। इसको आपने सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करना है, जो कि 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी। आप इसको घर में चार्ज कर सकते हैं एक बिजली की नॉर्मल साकट से 220 वोल्ट पे। चार्ज होने के बाद आप इसको 70 से 75-80 किलोमीटर तक आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसमें वही हेडलाइट यूज़ की गई है, और वही इंडिकेटर जो है यूज़ किए गए हैं 70 सीसी वाले। सारे पार्ट्स वही 70 सीसी वाले हैं, सिवाय इंजन और मोटर के। इंजन की जगह इसमें मोटर यूज़ की गई है, और जहाँ पे इंजन होता है वहाँ पे इसकी बैटरीज हैं, जो कि एक बॉक्स के अंदर है। ये वाटरप्रूफ बॉक्स है, और वाटरप्रूफ ही इसकी जो है वो मोटर है। आप इसको बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वॉश भी करवा सकते हैं सर्विस स्टेशन से। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉर्मल एक बाइक की तरह यूज़ करें। सिर्फ आपने इसका जो है वो स्विच ऑन करना है और एक्सीलेटर देना है, और ये बाइक चल पड़ेगी। इसमें किसी भी किस्म का गियर क्लच वगैरह का झंझट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ना ही चैन है, ना ही चैन कवर है, ना ही इसमें एग्जॉस्ट वगैरह है, और ये एक बिल्कुल साउंडलेस बाइक है। टायर रेयर पे और फ्रंट पे सेम वही टायर है जो कि 70 सीसी में यूज़ होते हैं। सर्विस के 6 ply के इसके जो है वो 17 इंच के जो है वो टायर यूज़ किए गए हैं। इसमें मीटर की बात करें तो वही 70 सीसी वाला मीटर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग की गई है। जिसका स्विच आप जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मूड है। ये आप देख सकते हैं 100%, 75%, 50% और 25%। ये इसकी बैटरी शो कर रहा है। ऊपर जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है वो इसके मूड्स हैं। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मूड में इसके 3 मूड्स हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड ग्रिप के ऊपर इसके मूड्स का बटन है। इन मूड्स को आप चेंज करके अपनी स्पीड बढ़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड इससे बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर मैक्सिमम स्पीड आप बढ़ाएंगे तो इसकी माइलेज कम हो जाएगी। अगर आप इसको मूड नॉर्मल मूड पर रखते हैं जिस पर स्पीड कम होगी, तो आप इसका जो है वो माइलेज ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें जो है वो नीचे हॉर्न का बटन है। लेफ्ट हैंड पे बात करें तो सेम वही असेंबली है जो कि एक 70 सीसी बाइक में यूज़ की जाती है, जिसमें हेडलाइट ऑन ऑफ का, हाई लो का, और इंडिकेटर हॉर्न का ऑप्शन है। इसके दोनों साइडों पे हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है। स्टैनली की इसमें हेडलाइट यूज़ की गई है। आप इसको चेंज करके इसके अंदर जो है वो LED लाइट भी लगा सकते हैं। इंडिकेटर भी इसमें सेम वही यूज़ किए गए हैं जो कि एक नॉर्मल 70 सीसी बाइक में होते हैं। आप इसके हेडलाइट चेक कर सकते हैं। अभी इंडिकेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इसके इंडिकेटर भी, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये एक ऑप्शन है। सेम वही चेसेस है, वही टायर है, फ्रंट वाला रैम भी सेम वही है। दोनों साइडों पे ड्रम ब्रेक यूज़ की गई है। फ्रंट में इसमें क्लच नहीं है, क्लच एक जो है वो डमी दिया गया है। रेयर ब्रेक जो है वो नीचे पेडिस्टल पे है, पाँव पे आपके, और फ्रंट ब्रेक जिस तरह वो एक्सीलेटर के साथ होती है सेम उसी तरह है। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं जिसके अंदर बैटरीज वगैरह होती है। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। सेम 70 सीसी की तरह है, उसी तरह आप इसको यूज़ करें। आपको इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने एक दफ़ा पैसे लगा दिए, उसके बाद जो है वो आपको इसमें ना ही किसी किस्म का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ना ही आपको इसमें इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा, और ना ही इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई और चीज़ करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इस बाइक की प्राइस के बारे में, तो प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। 70 सीसी होंडा की उससे काफ़ी कम है। इसमें स्पेशल एडिशन की जो प्राइस है वो 1,11,000 रुपये है, और ये आपको एक दफ़ा पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आपकी जो है वो किसी भी किस्म का इसमें फ्यूल वगैरह नहीं डलवाना पड़ेगा, वो आपकी बचत है। शॉप का एड्रेस और जो है फ़ोन नंबर मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करके इनके रब्ता कर सकते हैं। इसमें एड्रेस भी पूरा लिखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।